कहना यही है यार, पुलिस वालों ने रोक लिया। सेफ्टी से ही जा रहे थे, हेलमेट वेलमेट लगा के, बट हमारे घर से बहुत दूर है गाइस ये एरिया। काला सच है, बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता। आज जो मैं पिक्चरों में देखता था ना, आज मैंने देख लिया भाई, रियल में देख लिया तूने। वो चीजें ले लिया मैंने 400 रुपए में, एक चीज सिर्फ नीचे की चीज रहती है। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सरोजनी नगर वाला चैलेंज, ठीक है गाइस। और आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त सीन हुआ है हमारे साथ, तो गाइस बस आप लोग व्लॉग पूरा एंड तक देखना और व्लॉग को एंजॉय करना, ठीक है। लास्ट वीडियो के मैं कमेंट्स दिखा देता हूँ, किन किन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, फटाफट से वो देख लो और उसके बाद व्लॉग एंजॉय। आए हैं वो आए हैं इन लोगों के, मैं आपको देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ साइड में। थैंक यू सो मच इन लोगों ने भाई कमेंट करा है, तो आप लोग भी भाई कमेंट करते रहो, मजा आने वाला है, ठीक है गाइस। बाकी गाइस इस व्लॉग पे भर भर के कमेंट करना, भर भर के, जो भी इस व्लॉग में आपको समझ आ रहा है ना, जो भी मैंने पूछा है, जो भी चीज आपको गलत लगी सही लगी, कमेंट जरूर करना, ठीक है गाइस। बिन पहचान मेरे हृदय से लगाया, मेरे हृदय से लगाया। एम्बुलेंस आते हैं हर साल राधे माता के, बोल शंकर भगवान की जय। ओ बोला मेरे वैष्णो देवी को प्रणाम करो, मैं सो सो अरदास 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 मैं दुबरी अंबा मातर बच्चों की अरदास, मातर बच्चों की अरदास, मातर बच्चों की अरदास। भाई चल तेरी बारी, हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज है हम तीनों के अंदर, मेरे अंदर तो खासकर बहुत सारी पर्सनैलिटीज है। मैं ऊपर का नतने आ रहे होंगे, सही में नतने आ रहे, नाक बड़ी बड़ी लग रही, नाक के अंदर का माल दिख रहा होगा। इंडिया के वर्ल्ड फेमस दिल्ली के अंदर, इंडिया के वर्ल्ड फेमस दिल्ली के अंदर ये बात पे गौर किया जाए और इसको वायरल किया जाए प्लीज गाइस। हमारा एक फैन पेज फॉलो बन चुका है पेज इंस्टाग्राम पे, इसको लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। और प्रियांशु सलवन एडिट्स के नाम से, या बेबी दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट। दादा ये टच रोल तो आपने वर्ल्ड फेमस कर दिए। नहीं आवाज मुझे वही चाहिए। गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं चैलेंज कंप्लीट करने, जो कि मैंने आपको बताया था कि गाइस नेक्स्ट व्लॉग सरोजनी नगर पे जाएंगे, देखते हैं 500 रुपए में क्या चीज मिल सकती है। 500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग जाएंगे, बाइक से जाएंगे, रोहन में और एक और फ्रेंड है हमारा, वो जाए सरोजनी नगर। मैं तो सोचा था कि मेट्रो से चल दो, क्योंकि मेट्रो बिल्कुल नियर बाय थी यार, वहाँ से बिल्कुल ही सरोजनी मार्केट स्टार्ट जाती है, बट कोई बात नहीं, वो लोग कह रहे हैं बाइक से चलना, तो भाई बाइक से चल देते। ये है सरोजनी नगर का ब्यूटीफुल रास्ता। वैसे पहले हमारा घर, दादाजी का घर यहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी के अंदर रहते थे, आर के पुरम में, तो हम यहीं से जाते थे हर सैटरडे संडे। काफी टाइम बाद देखा और बहुत ही जबरदस्त और बहुत मस्त लग रहा है गाइस, अलग ही वाइब आ रही है। बेशक धूप निकल रही है लेकिन तब भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे घूमने में, यहाँ पे बाइक चलाने में, राइड करने में बहुत मजा आ रहा है गाइस। भाई ये कोई बात नहीं, चश्मा लेकर आओ तब आएंगे। आज आ गए हैं लड़के वाली मार्केट में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लड़के की भी यूनिसेक्स है, मतलब लड़कियां ज्यादा होती है ना। सॉरी, तो लड़कियां देखने आए हैं, मैं तो लड़के देखने आया हूं, ये बेहुदा बातें की है। भाई बता भाई, साहिल किस लिए आता है? तू तो भाई बचपन का यार है, तेरे को तो पता ही होगा भाई, सब भाई उसको ही पता है, हम लड़की बात छोड़ दूंगा। काला सच सरोजनी मार्केट, हाँ यही तो है, तू नहीं करती। चैलेंज है भाई, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अब चैलेंज क्या है हमारा, बाकी देखते हैं। अगर भाई खर्च करूंगा ना, अच्छा भी ले लूंगा। अगर खर्च करूंगा ना
उसको अच्छी चीज ही करेंगे यार, वो देखना देखो गाइस नजारा सरोजनी मार्केट का नजारा। सबसे पहले हमारा गाइस प्लान है लोअर, मतलब लोअर बॉडी, ठीक है। जोगर्स क्या प्राइस है भैया इनके? 350 है? कितने? 350 आज करना पड़ेगा तेरे को, आज करना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा। 300 रुपए में ये मिल रहा है, बताओ भाई कैसा है? सही है भाई, बढ़िया लग रहा है देखने में। पहली चीज 300 रुपए की भाई, साइज दिखा दो भैया। छोटा भीम वाला नहीं देखा, इसका साइज दिखा दो भैया। डोरेमोन वाला है? डोरेमोन वाला देखियो भाई, देख तो सही लगा। एक मेरे को अपने मतलब की चीज दिखी है तो है गाइस, ये जिम में बहुत काम आएगी रील्स वील्स बनाने के लिए मेरी। ये था और इसका प्राइस 200 रुपए प्राइस है इसका। गाइस यहाँ चेन खोली और चेन टूट गई, ये क्या हो गया भाई? और कैसे निकाला? अगर अच्छी तो लेना भाई, भाई ले लूं। सही लग रही है यार, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना 500 रुपए में ऊपर से लेके निकल। एक बंदे ने कमेंट करा 500 रुपए में सरोज नहीं आएगा ऊपर से नीचे तक का सामान लेने के लिए कर रहे हैं भाई हम ये, और हमारा भी फायदा हो रहा है भाई ऐसे कमेंट करने के लिए। ऐसा खर्च भाई दे दो, अंधा पैसा दूसरी लगवा लूंगा अगर। अंधा पैसा भाई, अंधा ये भाई यहाँ पे आने के लिए तो है अंधा, अंधा पैसा। तो गाइस जो हमारा पहला टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि 200 रुपए की हमने हाफ स्लिप ली है, हाफ से भी हाफ स्लिप ही है ये, और बहुत ही अमेजिंग लगी गाइस। अब हमारा टारगेट है एक कार को लेने का बढ़िया सा अच्छे प्राइस के अंदर, जो कि ये वाला तो मेरे को सही नहीं लगा, ये है सिर्फ 300 रुपए। तो भाई शाहरुख खान वाला चलिया वाली शर्ट मिल गई है हमको सरोजनी 200 रुपया और 250 हमारे हाथ ही स्पेशल ऑफर है ये। संडे को 200 रुपए अच्छा हो गया, कल आ रहा था तू फिर बेकार की बात है, मेरे पे मैं ही लेकर आया हूँ, आलस तो मारते कभी नहीं छूटेगा। एक 100 रुपए में लोअर लोअर आ जाएगा। अरे हम मैं ठीक है ना पक्का, हमें कहीं दिल्ली जाएगा इसी, कैसी लग रही है दिल्ली जाए कमेंट करके बताओ। मैं ये भी बेकार की बात है, दो चीजें ले लिए मैंने 400 रुपए में, एक चीज सिर्फ नीचे की चीज रहती है भाई, मैं तो हैरान हो गया आगे रेट देख के। जोगर मेरे को पसंद आया था, शायद मैं वही लूंगा और कंप्लीट कर दूंगा। चल तो गाइज इस तड़कती भड़कती धूप के अंदर, गर्मी के अंदर गाइज मैं बस अपना एक लास्ट टारगेट ढूंढ रहा था, जो कि था एक जोगर, जो मेरे को नहीं मिल रहा था। बस गाइज 400 रुपए में मैंने दो चीज ले ली थी, मेरे को एक चीज और चाहिए जो कि था जोगर या कार्गो, इन दोनों में से जो भी मिल जाए गाइज बस मजा आ जाएगा, प्रे करो कि हमको मिल जाए। तो गाइज मेरे को मिला है एक कॉलेज स्टोर जिसका नाम था कॉलेज कलेक्शन। तो गाइज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरे जो ढूंढ रहा हूँ ना वो चीज मुझको यहीं पर ही मिलेगी, और जैसा कि मेरे को वाइब आ रही थी कि मेरे को यहाँ पर वो चीज मिल जाएगी, तो गाइज मेरे को मिल गया था। मेरे को जोगर और कार्गो दोनों पसंद आए थे, तो मेरे को उन दोनों का मिक्सचर मिल गया था जो कि बहुत ही स्ट्रेचेबल था। गाइज ये जोगर भी कह सकते हैं, इसको कार्गो भी कह सकते हैं, इसको लोअर भी कह सकते हैं, और बहुत मस्त और बहुत रीजनेबल प्राइस, मतलब सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए का मिला था, 350 रुपए, और ये सेल लगी हुई थी। वैसे इसका वहां पर भी एक्चुअल प्राइस है 500 रुपए। मेरा चैलेंज तो कंप्लीट हो गया है, बट 200 रुपए ऊपर, बाकी घर जाके आप लोग बारिश आने से पहले पहले तो चल दे भाई। हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, मैं छूंगा पहले पीली दीवार छू के, अब वापस चलो अपने घर पे। चल चल दीवार छू ली, 200 रुपए सेल, 300 रुपए। चल 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 300 रुपए, मजाक कर रहा हूँ, जोन से सेल दिख रही है वहीं भाग रहा है, वहीं भाग रहा है, खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन ये मार्केट खत्म कहाँ पे होती है? बनी है, इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं लग रहा भाई। देखो तुम लोग भी आओ तो पीली पीली दीवार छू के वापस चले आ रहा, और इसके अंदर भी जाना, इसके अंदर भी चले आ रहा, हम नहीं जा रहे भाई, हम घर जा रहे हैं। गाइस वैसे तो ना ये सरोजनी मार्केट लड़कियों की थी, लेकिन लड़कों ने आके यहाँ की कब्जा मार दिया हमने इन पर, कब्जा नहीं मारा इसकी भाई। काला सर कौन सा वो, सच बताऊँ क्या है? क्या है? लड़कों की मार्केट है। हाँ सारे लड़के पता है तुम्हें कैसे वेले, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा करते, तुम्हें पता ही बेरोजगार, तो वो सारे क्या करते हैं पीछे जाते हैं,
कुछ समझ लो। अरे यार देखो वो अपनी बंदियों को लाते थे और कुछ खरीदवाते थे नहीं, लोगों ने सोचा खरीदवाते थे नहीं, तो इन्होंने सोचा यार इन लड़कों के भी लिए रखने रख दो। तो भाई जो भी बंदा बंदी देख रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में आओगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी शॉपिंग मिल जाएगी बहुत सस्ते में। और उसके बाद आप खर्चा खाने पीने के लिए कोई अच्छी जगह भी जा सकते हैं कम खर्चा करके। देखो हम तो भाई हमारे तो कोई है नहीं है ना, हम तो भाई भाई एक दूसरे के साथ ही आ सकते हैं। अपना भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद है, यहाँ पे कब्जा कर लिया लड़कों ने भाई सरोज नगर। गाइस अब जो हमारे साथ सीन हुआ है ना वो हमने सोचा नहीं था, इतना बेकार सीन हुआ है। बस आप देखो अब जाते जाते बहुत गंदा सीन होगा, कहना यही है यार पुलिस वालों ने रोक लिया, मतलब पूरी सेफ्टी से ही जा रहे थे हेलमेट वेलमेट लगा के, बट रोन की आरसी ओरिजिनल नहीं है रोन के पास। मैंने तो गाइस दिखा दिया अपना आरसी और लाइसेंस दोनों। और ये एरिया भी भाई हमारे घर से बहुत दूर है गाइस, ये एरिया थाने में लेगा स्कूटी सीधा लेगा बिना कुछ बोले, तो ये नहीं पता गाइस कि एकदम से स्कूटी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल हैंड टू हैंड दिखाए, फोटो भी दिखा सकते हैं हम, बाकी मेरे को कंफर्म नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हाँ इनकी डाल रहा हूँ यार, इनकी मतलब कोई बहुत हो रही है, हम तो अपनी अपनी बात तो रख ही रहे। आरसी हम मंगवा रहे थे फोटो के थ्रू, गाड़ी ले गए, गाड़ी कैसे लेके जा सकते हैं, गाड़ी कैसे लेके जा सकते हैं, मतलब रुके ही नहीं वो गाड़ी लेके चले गए, फोन पे मंगवा रहे भाई बंदा अभी तब भी सीधा गाड़ी कैसे थाने में ले गए यार। ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल से, वो आपको आरसी देखनी है ना, आरसी मैच करनी है भाई, हम फोटो मंगवा रहे हैं आप कर लो आरसी मैच। अब सीन पता है गाइस क्या हो गया, हम बात करने गए कि अंकल हमको कम से कम कन्वेंस तो दो जाने की, बहुत बहस करी मतलब, वो बोल रहे कि ऑटो कर लो वहाँ पे थाने में जाके पुलिस वाला पैसे दे देगा। अब देखते हैं ऑटो करके गए, लेकिन चाणक्यपुरी है कहाँ पे भाई, हम बड़ी दूर है तो अपने घर, और ऑटो भाग गया, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ चाणक्यपुरी थाना कहाँ। गाइस हमारे 3 घंटे वेस्ट होने के बाद हमको फिर मैंने डैडी को फोन किया, उसके बाद ही भाई इन्होंने कुछ किया आगे का सीन। भाई हम पर रही है क्या करे यार, बिना सिस्टम के कुछ काम नहीं होता रोहन, करा तो दिया बिना सिस्टम के कुछ काम नहीं होता गाइस, हो गया भाई क्या करे यार अभी बताता हूँ रुक जाओ। मेन वो है इसमें क्या, डैडी बहुत ज्यादा वो है इसमें, सच में गाइस बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता, समझ में आ गया, अभी बाहर चल के ही बताता हूँ आपको। आज जो मैं पिक्चरों में देखता था ना आज मैंने देख लिया भाई, रियल में देख लिया तूने। रोहन भाई की चाबी बंद हो गई थी, लेकिन बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता, ये लो भाई आपकी चाबी सौंप दी अब आपको, हमारा काम खत्म, अब बाहर चल के, यहाँ नहीं बाहर चल के, बाहर चल के, बाहर चल के। तो भाई जा रहे हैं अब अपनी स्कूटी लेके बहुत कॉन्फिडेंस से, जो सीन पहली बार देखा था ना, जो सीन पिक्चरों में देखा था आज रियलिटी में हो गया, रोहन के फेस पे खुशी ही खुशी, और वो खुशी की वजह है हमारे डैडी। तो भाइयों दिखाओ जी, चल ले या आया आया, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम है सिस्टम, सच में सिस्टम है। हाँ जी तो गाइस सिस्टम ये हुआ था, रोक ली थी स्कूटी, स्कूटी पहली बार तो ले गए बिना मतलब बताए बताए, ले एकदम ऐसे लेके जा सकते नहीं, ले जा सकते ये तो मेरे को पता नहीं, नहीं वो भी पता चल गया था कि ऐसे लेके नहीं जा सकते, ऐसे स्कूटी तुरंत नहीं लेके जा सकते, हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, कैसे कैसे ले जाएगा, तो बंद कर दी तुरंत 5 मिनट में गाड़ी बंद कर दी पूरा सीन, गाड़ी की चाबी देख सकते हैं, गाड़ी की चाबी दिखा, चाबी दिखा, चाबी कह रहे भाई बंद हो गई कल मिलेगी या कुछ होएगा, मतलब कह रहे कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। अच्छा हमने क्या भाई ठीक है, मैंने भाई डैडी को फोन घुमाया, डैडी कह रहे बस 5-10 मिनट दे मेरे को, सीधा SHO को मतलब फोन करवाया डैडी ने, वो बंदा डैडी का सिस्टम बोलता है आपके शरीर, सिस्टम बोलता है वो तो है ही। तो भाई जो बंदा हमको बोल रहा था ना कि बाहर जाओ कुछ नहीं हो सकता, वही बंदा हमको बाहर आया, अरे सब कुछ ही करा भाई, बाहर आके उस बंदे ने बोला आप अंदर आ जाओ, आप पहले कह रहा था वो बाहर जाओ यहाँ से, फिर उसके बाद खुद ने बोला आप अंदर आ जाओ, और खुद ही धक्के खा रहा था, और खुद ही फिर इधर से उधर धक्के खा रहा था सारा हमारा, उन्होंने करवाया काम। बट भाई देखो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये गलत चीज है, अब जैसे कि ठीक है हम हमारी थोड़ी बात थी हमारी, ठीक है हमारी हमारी जान पहचान थी तो हमारा तो हो गया, कल को यार मतलब कितने लोग होते होंगे ऐसे, कितने धक्के खाते होंगे, ये चीज ये सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी सीरियसली भाई। बाकी थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी का तो शुक्रिया, वरना धक्के खाते हम बहुत ज्यादा, वरना कल आते फिर भाई, कल आते फिर धक्के खाते, डॉक्यूमेंट ये वो, अब सब कुछ खुद ही करा है, पर कोई नहीं यार, अगर ऐसा भी कोई सीन होता है ना तो जेन्युइन रीजन अगर उस पर कागज नहीं है तो पकड़ा जाए, अगर इंसान गलत कर रहा है चीज गलत है, हम वैसे भी वहाँ के कॉन्स्टेबल्स बोल रहे थे कि भाई चले जाओ, नहीं सभी बोल रहे थे नहीं, कॉन्स्टेबल कैसे कह रहे थे, कह रहे भाई चले जाओ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा बोल ही नहीं रहा था कि अभी लिख मिल जाए, कोई बंदा भी नहीं बोल, कह रहा किसी को भी फोन करवा दो नहीं मिले। तो गाइस संदीप भाई हम लोग देखो ये डैडी एंड डैडी के फ्रेंड, इन लोगों ने करवाया था वहाँ पे, जो लोग वही बदतमीजी कर रहे थे ना
उन्होंने प्यार से ही अंदर बुलाया और खुद ही इधर हमको बोल रहे फोटोकॉपी करवा के लाओ। उन बंदे ने खुद ही वो अपना लॉक खोला, फोटोकॉपी भी करके। लेकिन ये चीज चलो हमारी मतलब हम आपस में बातचीत होती है, ऊपर तक बातचीत होती है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते उन लोगों को कितने धक्के खिलवाते होंगे ये लोग जो मिडिल क्लास। ये बात थोड़ी सी मेरे को गलत लगी, थोड़ा सिस्टम गलत लगा। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा डर गया था रोहन, बहुत ज्यादा डर गया था। आप प्लीज सब अपना एक नाम बता दो एक बार। सूरज डबगेर। राजीव तवर। ओके। अंकित लाहौरी। संदीप बिरला। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इसी दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, समझदार हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इन बच्चों की गाड़ी छोड़ी, क्योंकि सब गलत नहीं है, कुछ चीजें हो जाती है इत्तेफाक से। तो मैं थैंक्स टू दिल्ली पुलिस को कहना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पास समझिए और आगे बच्चों को छोड़ा। बस मैं ये एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर कोई बहुत प्यार से या क्वेश्चन कर रहा है तो सिर्फ उसके क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए उनको, ताकि वो लोग भी डरे ना, क्योंकि हमको पता नहीं, हम इसलिए तो पूछ रहे हैं ना, ये तो है। हमको पता चल जाएगा तो हम भी फिर नॉर्मल भाई भी अपना नाम बताएंगे। थैंक यू भाई।